नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और स्वागत है आपका हमारे खास शो मनी मास्टर में। क्या आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग की लत लग गई है, या क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस कटने के बाद भी आप अपना शेयर बेचने का हौसला नहीं जुटा पाते, आपको लगता है कि शायद आपका भाव वापस आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा कि ये जानने के बाद भी ट्रेडिंग कॉल से जुड़े फ्रॉड हर तरफ चल रहे हैं, हम उन पर भरोसा करके शेयर बाजार में अपनी गाड़ी कमाई डुबो देते हैं। ये बातें अगर आपको अपनी ट्रेडिंग हैबिट से जुड़ी लगती हैं तो यकीन मानिए आज का मनी मास्टर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे एक्सपर्ट बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी ट्रेडिंग से जुड़े मनोविज्ञान पर। ये टॉपिक आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके जरिए आप अपने ट्रेडिंग व्यवहार में बदलाव लाकर बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि खराब बाजार में पूंजी ना गंवाना भी पैसा कमाना ही है। तो चलिए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको आज के हमारे खास मेहमान विवेक कुमार नेगी से। सर, स्वागत है आपका। विवेक जी फिनएथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर और सीईओ हैं और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से जुड़ी कई किताबें लिख चुके हैं। शेयर बाजार में विवेक जी करीब 17 साल के आसपास का अनुभव रखते हैं। तो आइए विवेक जी के इस लंबे अनुभव की मदद से हम भी कुछ गुर सीखते हैं, और इसके लिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल आपसे पूछूं, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े आप इस खास श्रृंखला में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज का प्रोग्राम हम एक स्टेटमेंट के साथ शुरू करना चाहेंगे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बीइंग लॉजिकल, नॉट इमोशनल। सो इफ यू आर इमोशनल, यू आर गोइंग टू लूज। सो बी लॉजिकल एंड अर्न मनी थ्रू ट्रेडिंग। चलिए, तो आप शुरुआत में ही हमें एक बढ़िया गुर बता दिया है विवेक जी ने। सर, मैं पहले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, चूंकि आज हमारा टॉपिक ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आखिर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, यानी कि ट्रेडिंग की शुरुआत से पहले एक ट्रेडर को अपनी जो मानसिकता है, अपना जो माइंडसेट है, उसे कैसे तैयार करना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग को आप हमेशा एक बिजनेस की तरह लेते चलिए। अगर आप इसको बिजनेस मानेंगे तो आप लॉजिकल रहेंगे, आप इमोशनल नहीं होंगे। मोस्टली लोग जब स्क्रीन के सामने बैठते हैं वो ये भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट उनके बिहेवियर को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। स्टॉक मार्केट जो आउटकम है, जो लाखों करोड़ों ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके इमोशंस का आउटकम है, तो ये किसी इंडिविजुअल के सेंटिमेंट्स को तो नहीं समझ सकता। तो आप कितना भी अपनी पोजीशन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, या आप कितना भी अपनी पोजीशन को लेकर रो लीजिए, हंस लीजिए, मार्केट विल नॉट रिएक्ट टू। सो आपको करना क्या है, रिएक्ट आपको करना है, मार्केट को नहीं करना है, आपको अपने सेंटिमेंट्स कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अनुशासन रखने की बात है। पहली बात में ही हमें विवेक जी ये कह रहे हैं कि अपने जो इमोशंस हैं उनको आपको कंट्रोल करके चलना है। तो क्या सर, मैं फिर ये मानूं कि एक जो ट्रेडर है और जो इन्वेस्टर हैं या जो निवेशक जिसे हम कहते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो इनके बीच का फिर अंतर बताइए, तब मैं फिर आगे बात को बढ़ाता हूँ। देखिए, एक इन्वेस्टर जो होता है ही हैज टू बी इंटेलिजेंट, और वो बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह स्टडी करते हैं, बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जबकि एक ट्रेडर के लिए कोई जरूरी नहीं होता है। ट्रेडर इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। अब वो प्राइस रिलायंस का हो सकता है, टाटा का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो ही इज नॉट कंसर्न्ड कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, ठीक है, या उसका बिजनेस किस तरह का चल रहा है। ट्रेडर को चाहिए 2-5% कम, So, उस मूव में वो पैसा बना सकता है। Whereas investor is concerned about the long-term growth story of the company. So, दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, दोनों का जो एनालिसिस का तरीका है करने का वो डिफरेंट है, और दोनों का जो मार्केट को देखने का नजरिया है वो भी बिल्कुल अलग है। तो हम ये कह सकते हैं बोथ आर अपोजिट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो एक ट्रेडर और जो निवेशक है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ट्रेडर को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या कारोबार में है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल्स की जहाँ तक बात है, वो केवल एक निवेशक की चिंता होती है कि उसे देखना होता है कि जब वो लंबी अवधि के लिए निवेश करता है तो एक फंडामेंटल्स देखने जरूरी होते हैं, लेकिन ट्रेडर्स को केवल जो प्राइस मूवमेंट है इस स्टॉक का जिसमें वो ट्रेड करता है उसके लिए केवल वही अहम होता है। तो चलिए सर, हमने ये समझ लिया कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर इनके बीच में अंतर क्या होता है। अब जरा ये बताइए कि क्या ट्रेडर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब क्या ट्रेडर्स के भी अलग अलग तरह के टाइप्स या प्रकार होते हैं?
देखिए होता क्या है, कोई ट्रेडर 2 मिनट में पोजीशन को लेकर अनकंफर्टेबल हो जाता है, कोई ट्रेडर होता है वो ड्यूरिंग द डे अपनी पोजीशंस स्क्वेयर ऑफ करके जाता है, वो नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं करता है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट को स्टडी करते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट क्या ओपन होगा, नेक्स्ट 2-3 दिन में किस तरह का मूवमेंट होगा, उसको लेकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो सबसे छोटी कैटेगरी है उनको बोलते हैं स्कैल्पर्स। अच्छा अब स्कैल्पर्स का काम क्या होता है, दे लुक एट द स्क्रीन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, और जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं दे एंटर द स्टॉक एंड एग्जिट विद इन 2 to 5 मिनट्स। दे अच्छा डोंट होल्ड देयर पोजीशंस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जितनी जल्दी वो एंट्री करते हैं उतनी ही जल्दी वो एग्जिट भी कर लेते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है डे ट्रेडर्स की। डे ट्रेडर क्या करते हैं, थोड़ा लॉजिकल होते हैं, वो चार्ट स्टडी पर ध्यान देते हैं, वो डेटा एनालिसिस पर ध्यान देते हैं, और उसके बेसिस पर जो पोजीशंस बनती हैं उसमें वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए अपनी पोजीशंस बनाते हैं और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तीसरी कैटेगरी है आपकी स्विंग ट्रेडर्स की। नाउ स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स एंड फ्यू डेज। मतलब आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगले 2-4 दिन में क्या होने वाला है, उसके बेसिस पर वो पोजीशन बनाते हैं। बीटी, एसटी, एसटी, बीटी, इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिनको स्विंग कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडर्स, या इनको आप न्यूज बेस्ड ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। तो ये न्यूज एंड व्यूज एनालिसिस पर चलते हैं, ये मोमेंटम पकड़ते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में किस तरह कोई न्यूज आने वाली है तो उसके बेसिस पर ये लोग ट्रेड करते हैं। तो ये पोजीशन आपकी 2 दिन 4 दिन 5 दिन के हिसाब से भी हो सकती है। तो अगर हम टाइम के आधार पर देखें तो स्कैल्पर्स और डे ट्रेडर्स की संख्या हिंदुस्तान में काफी बढ़ रही है रिसेंट टाइम्स के अंदर, और स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स एक ऐसी कैटेगरी है जो इसको पार्ट टाइम बिजनेस मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपने दो प्रकार से बताया ना सर, एक तो टाइम वाइज और एक स्टाइल वाइज भी आपने बताया। स्टाइल वाइज भी जी एक्सप्लेन कर दीजिए। जी स्टाइल वाइज देखिए 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक तो वो कोशिश करते हैं कि मार्केट के ट्रेंड के साथ है, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट मेथड टू बी विद द मार्केट। मार्केट का ट्रेंड जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से वो काम करते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग है तो वो कोशिश करते हैं कि बाय अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, और मार्केट का ट्रेंड वीक है तो वो कोशिश करते हैं कि सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। वेरे स्विंग ट्रेडर्स की जो क्वालिटी होती है वो मार्केट ट्रेंड को फोकस ना करके वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, कि कोई स्टॉक ऑलरेडी 10% बढ़ चुका है तो यहां से 2% ही नीचे आ सकता है, तो वो 2% का स्विंग लेने की कोशिश करते हैं। सो वो क्या करते हैं कि दोनों तरफ के पोजिशंस लेते हैं। ट्रेंड ट्रेडर्स की क्वालिटी होती है दे बी विद द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। स्विंग ट्रेडर्स की क्वालिटी होती है कि वो बहुत जल्दी अपना चेंज कर लेते हैं मार्केट का दाव। वो पॉजिटिव में बैठे हैं तो नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव में बैठे हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्विंग ट्रेडर्स के जनरली वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, एंड दे टेक हेल्प ऑफ चार्ट्स, दे टेक हेल्प ऑफ लॉट ऑफ टेक्निकल टूल्स, जिसमें उनको ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशंस का पता लगता है, वेव थ्योरी वगैरह के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये काफी टेक्निकल ट्रेडर होते हैं जो स्विंग ट्रेडर्स होते ठीक है, तो एक हो गया टाइम के हिसाब से और दूसरा हो गया स्टाइल के हिसाब से। ये दो प्रकार के ट्रेडर्स हैं जो हमें अमूमन मार्केट्स में मिलते हैं, जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है। और सर हमने इनके जो माइंडसेट है उसके बारे में समझ लिया। अब मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है, चूंकि हम ट्रेडर्स की पूरी मानसिकता को समझ रहे हैं, ट्रेडिंग से जुड़ा जो पूरा मनोविज्ञान है उसे डीकोड कर रहे हैं, तो मेरा सवाल मन में आ रहा है डेली रूटीन को लेके। लेकिन उस तरफ मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं ज़रा ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई कॉमन मिस्टेक्स भी हैं, कोई आमतौर पर गलतियाँ भी जो ट्रेडर्स करते हैं, पहले ज़रा वो हाईलाइट कीजिए हमारे लिए। देखिए सर, मैंने ना एक बुक लिखी है विच इज ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग फंडामेंटल्स। उसमें हमने एक चैप्टर दिया है कॉमन मिस्टेक्स के नाम से, और 7 मिस्टेक्स आउटलाइन की हैं जो मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस आपके बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है तो सबसे पहली जो गलती इंसान करता है वो करता है ट्रेंड के विपरीत ट्रेडिंग करना। मार्केट स्ट्रांग है, डेटा सारा स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट अच्छा चल रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, यहाँ से नीचे आना चाहिए। ऐसे ही जब सिचुएशन खराब होती है तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाना चाहिए। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं, और उसमें आप काफी हैवी लॉसेस सफर कर लेते हैं। आई हैव सीन दिस इन लॉट ऑफ बुक्स, जिसमें मेंशन किया गया है कि लोगों ने जो बुल ट्रेंड होता है मार्केट का, जो अपवर्ड जर्नी होती है, उसमें ज्यादा नुकसान किया है बजाय कि जब मार्केट मंदा होता है।
अच्छा उसका मेजर रीजन क्या होता है कि वो लोग वेट करते रहते हैं कि मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट नीचे आएगा, और उसकी वजह से वो लोग नुकसान करते हैं। वैसे भी आप अगर साइकोलॉजी की बात करें तो एक जनरल साइकोलॉजी होती है कि अगर कहीं भी मार्केट न्यू हाइस पर चल रहा है तो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के, और लॉजिकली आप देखते हैं तो आपको वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो चीज न्यू हाइस पर ट्रेड हो रही है। तो ट्रेंड के विपरीत काम करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा है हार्ड मनी में ट्रेड करना। अब हार्ड मनी क्या होता है कि कोई स्टॉक आपका हिलता ही नहीं, मूव ही नहीं होता है, आप क्या करेंगे, पोजीशन लेंगे और आप वेट करते रहेंगे कि ये स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए। बैठे रहेंगे। अब इस कैटेगरी के स्टॉक्स को बोलते हैं एलिफेंट्स। नाउ दे आर लाइक एलिफेंट्स, दे डोंट मूव इन एनी डायरेक्शन, दे मे बी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स बट ट्रेडिंग के लिए ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। रीजन बीइंग यू विल एंड अप पेइंग हाई कॉस्ट्स एंड हाई ब्रोकरेज ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। तीसरी जो मिस्टेक है वो है मिसिंग आउट। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पोजीशन लेते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिहाज से, लेकिन अब स्टॉक उनके हिसाब से नहीं चला तो उसमें स्टॉप लॉस बुक करने की बजाय उस पोजीशन को होल्ड करेंगे, चाहे उसके लिए उनको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितना भी रुकना पड़े। एंड दीज काइंड ऑफ पोजीशंस समटाइम्स कैन ईट आउट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमने कोई ट्रेड 1 घंटे या 2 घंटे के लिए लिया है तो एट द एंड ऑफ द 2 आवर्स हमें उसको एग्जिट कर देना चाहिए, वट एवर इज द लॉस। या आप एक बार री इवेल्युएट भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि स्टॉक दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है तो ठीक आप है। उसको होल्ड कर सकते हैं बट विद इन लिमिटेड टाइम, नॉट लाइक कि आप उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके। इस तरह के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहां ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुए हैं, और जब आप उनके पोर्टफोलियो को देखते हो तो उसमें सारे आपको सी या डी कैटेगरी के स्टॉक्स मिलेंगे, और उसका मेजर रीजन यही होता है कि वो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लिए गए हैं और बाद में वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट। चौथा जो मैं मिस्टेक आउटलाइन करना चाहूंगा वो है बिना कारण कोई ट्रेड करना, ट्रेड विदाउट रीजन। आप मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में कोई किसी तरह का मूव हो नहीं रहा है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, बट एक्चुअली देर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट। ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा टेम्पटेशन होता है ट्रेडर्स को, एक अंदर से आवाज आती है अरे भाई कोई तो ट्रेड ले लो, आप खाली क्रेविंग क्यों बैठे हैं। क्रेविंग होती यस, है। क्रेविंग होती है। तो वो क्रेविंग की वजह से वो पोजीशन लेते हैं, उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं होता है। एंड व्हाट हैपेंस, यू स्टक अप योर फंड्स इन दोस काइंड ऑफ पोजीशंस, और जब मार्केट में एक्चुअल मूव आता है उस टाइम आपको पोजीशन बनाने के लिए पैसा आपके हाथ में नहीं होता। लिक्विडिटी नहीं बचती तो आपके जब पास। यस जब आप विदाउट लॉजिक पोजीशंस लेते हैं वो आपको काफी नुकसान देकर जाते हैं। जी फिर उसके बाद जो अगली गलती है, आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग करने बैठेंगे, आपने 1 शेयर लिया 2 लिया 3 लिया 4 लिया, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी 8 और 10 पोजीशन खड़ी। एट ए टाइम 10 कंपनीज को मॉनिटर करना और उनके प्राइसेस को ट्रैक रखना, फिर उनमें टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना या स्टॉप लॉस लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कितना भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो वो 3 या 4 से ज्यादा पोजीशंस एट ए टाइम हैंडल नहीं कर सकता। तो अगर आप बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के अंदर पोजीशन ले लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेफिनेटली इंपैक्ट होगी, और कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी जो आप टाइमली बुक नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है आपकी प्रॉफिट की पोजीशन भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो एक साथ बहुत सारे शेयरों में ट्रेडिंग करना ये एक मिस्टेक हो सकती है। देन मार्जिन पोजिशन होल्ड करना, दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक जो आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। क्योंकि होता क्या है, जब मार्जिन अवेलेबल होता है ना वो इजी मनी हमें लगता है, हमें लगता है कि हम बड़े पोजीशंस लें और बहुत अच्छा पैसा बने। लेकिन आपको यह भी समझना होगा अगर वहां पैसा बड़ा बनता है तो नुकसान भी बड़े होते हैं, और ऑब्वियसली। बहुत जल्दी आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है और आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो मार्जिन्स को बहुत ही केयरफुली आपको यूज करना होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपके पास 5 लाख रुपीज हैं और ब्रोकर ने आपको 20 लाख का मार्जिन दिया है तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ईच पोजिशन में आपको कितना मार्जिन यूज करना है। रिस्क मैनेजमेंट हैज टू बी देयर, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। सो मार्जिन पोजीशंस का यूज बहुत ही केयरफुली आपको करना चाहिए। लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवेंज ट्रेड। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि मैंने तो लॉस किसी पर्टिकुलर एबीसी लिमिटेड में किया है
और मुझे पैसा वहीं से रिकवर करना है। अरे सर, दिस इज मार्केट, दिस इज नॉट एनी पर्सन कि आपको वहां से रिवेंज लेना है। सो इसमें एक हम लोग बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द क्लोजिंग नंबर ऑफ योर प्रॉफिट। इट डजेंट मैटर कि आपका वो प्रॉफिट एबीसी लिमिटेड से आया है, XYZ लिमिटेड से आया है, या कहीं और से आया है। सो आपको इस चीज में नहीं पड़ना है कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में लॉस हुआ है तो आपको वहीं से रिकवर करना है। देर आर एम्पल ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, आप वहां पर भी पैसा कमा सकते हैं। बट रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका क्लोजिंग नंबर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर एंड यू शुड फोकस ऑन दैट। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट आपने बता दी सर गलतियों की। एक ट्रेडर के लिहाज से देखा जाए, जब आप इतनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं सर, तो फिर एक काम और कर दीजिए, जल्दी से फिर इनका निवारण भी कर दीजिए। कैसे नहीं करें ये गलतियां, उसका तरीका भी बता दीजिए। सर देखिए, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन के बिना तो आप ट्रेडिंग में एंटर कर ही नहीं सकते। डिसिप्लिन के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एक टूल्स बनाए हैं जिनको हम ट्रेडिंग ट्रैप, ट्रेडिंग टेबल और ट्रेडिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। नाउ ट्रेडिंग ट्रैप इज समथिंग जिसमें हर इन्वेस्टर एक बार जरूर फंसता है, और वो एक बार उसको ये याद आ जाता है कि ओ गॉड, व्हाई आई एंटर्ड इन दिस मार्केट। एक बार मेरे स्टॉक्स रिकवर हो जाएं, आई विल एग्जिट एंड आई विल नॉट कम बैक टू दिस मार्केट। सो ट्रेडिंग ट्रैप आपको ये बताता है कि व्हेन ट्रेडर्स एंटर इनटू द मार्केट, तो उनको इस ट्रेडिंग ट्रैप से पास होके जाना ही पड़ता है। जितना स्मूथली आप पास होंगे, उतनी ट्रेडिंग जर्नी आपकी इजी होती चली जाएगी। ठीक है सर, आप कह रहे थे कि ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है, तो फिर एक ट्रेडर का जो रूटीन, डेली रूटीन है, वो क्या होना चाहिए? जब आप इसे एक फुल टाइम प्रोफेशन कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक फुल टाइम प्रोफेशन है, तो काफ़ी तैयारी करनी होगी। क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, ज़रा ये बताइए। सर देखिए, मार्केट आपको ना बहुत सारे सरप्राइजेस देती है, तो सरप्राइजेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एंड दिस इज अ वेल नोन फैक्ट दैट ओनली अनसर्टेनिटी इज द थिंग जिस सर्टेन इन द मार्केट, राइट? सो जब अनसर्टेनिटी है और आप जितना बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सिचुएशन खराब होगी या नहीं होगी, नो बडी नोस। डेटा क्या आएगा ड्यूरिंग द मार्केट, नो बडी नोस। बट अगर आपको पता है कि 12 बजे ये डेटा आने वाला है, यू नो दैट देयर कैन बी बिग स्विंग्स इन द मार्केट एंड यू कैन गेट प्रिपेयर्ड फॉर द डेट। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, हमने चार पांच कैटेगरीज के अंदर डेटा को डिवाइड किया है। अगर आप उस तरीके से डेटा की स्टडी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको बड़े सरप्राइजेस शायद नहीं मिलेंगे। ठीक उसमें है बड़ा सिंपल होता है सर, एक तो सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर आज जो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी हो गई, कोई किसी तरह का गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो गया, किसी तरह के डेटा, जीडीपी नंबर्स वगैरह हो गए, इन्फ्लेशन के नंबर्स हो गए, तो इस तरह की बड़ी इवेंट्स जो भी होती है मार्केट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, तो उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट मूवमेंट्स के अंदर। अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेंगे कि किन किन स्ट्राइक प्राइसेस पर हाईएस्ट बना हुआ है, तो आपको लेवल्स निकल कर आ जाते हैं मार्केट में कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डे के लिए, किस लेवल के ब्रेक होने पर नेक्स्ट लेवल क्या बन सकता है। तो एफ एंड ओ डेटा का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए। इसमें आप पुट कॉल रेशियो भी देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस एनालिसिस भी कर सकते हैं, इंडिया विक्स को भी देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नेक्स्ट डे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तीसरी चीज है, देखिए, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। अब ग्लोबल मार्केट का पार्ट है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आता है। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो उनका इंपैक्ट हमें देखने को मिला, कोरोना जब आया था तो पूरी दुनिया के मार्केट नीचे गिरे थे। तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या चल रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। सब मार्केट्स का जो लीडर माना जाता है वो यूएस को माना जाता है, तो यूएस मार्केट्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हैं, और फिर इंडिया एशिया का पार्ट है तो एशियन मार्केट्स को भी आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है हमारा मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा, बट डेफिनेटली अगर सारे ग्लोबल मार्केट ऊपर हैं या नीचे हैं तो वो आपको ट्रेंड समझने में हेल्प डेफिनेटली कर सकता है। चौथी चीज है टेक्निकल लेवल्स क्या निकल कर आते हैं। टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं
क्योंकि आप उसके बेसिस पर अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं। अब वो टेक्निकल लेवल्स के लिए आप टूल्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट कैन बी मूविंग एवरेज, इट कैन बी पिवट पॉइंट कैलकुलेशन, इट कैन बी फिबो लेवल्स, इट कैन बी सो एनी काइंड ऑफ टेक्निक यू कैन यूज वट एवर यू लाइक, बट आपको टेक्निकल लेवल्स पता होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट डे के लिए। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि शेयरों का चुनाव, अगर कोई शेयर आज मोमेंटम में रहा है, देर आर हाई प्रोबेबिलिटीज दैट नेक्स्ट डे ऑल्सो दैट स्टॉक विल बी इन द मूवमेंट, सो देर विल बी अपॉर्चुनिटीज टू बाय एंड सेल दोज काइंड ऑफ कंपनीज। तो शेयरों का चुनाव आपको आज ही करके जाना है कल के लिए, तो मार्केट के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, मार्केट खुलने के पहले से। ये नहीं है कि मार्केट खुल गया और अब हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं या एफएनडो का डाटा क्या कर रहा है, तो उसमें आप अपॉर्चुनिटीज को एनकैश नहीं कर पाएंगे। ये सारी तैयारी बिफोर 9:15 AM, बिफोर मार्केट ओपनिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर कुछ ये तो मॉर्निंग में यानी कि बाजार खुलने से पहले की बात होगी, क्या मार्केट के दौरान और मार्केट बंद होने के बाद भी कुछ करना होता है? मुझे तो लग रहा है ट्रेडर का काम बहुत मुश्किल होता है जिस तरह से आप बता रहे हैं। सर देखिए, मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको उस डिसिप्लिन में और उस रूटीन में आना पड़ेगा, तभी आपको पैसा, एज ए ट्रेडर पैसा बनाना इजी नहीं है। एज आई सेड कि ये भी एक फुल टाइम प्रोफेशन है, इसको भी आप मानकर चल सकते हैं। जितना मेहनत आपको अपने बिजनेस प्रोफेशन में या जॉब में करना पड़ता है, उतना ही आपको ट्रेडिंग में करना पड़ता है। बिल्कुल मार्केट आपको इजी मनी नहीं देता एग्जैक्टली है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ हमने कवर कर लिया, अब बात करते हैं मिड डे की। मिड डे में मार्केट थोड़ा सा डल हो जाता है, और मिड डे के ड्यूरिंग अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोप के खुलने का समय होता है, तो उस समय आपको यूरोपियन बाजारों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। दूसरी चीज, ट्रेडिंग में फर्स्ट आवर और लास्ट आवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेडिंग में फर्स्ट आवर लास्ट आवर में बहुत अच्छा मार्केट में मूवमेंट्स देखने को मिलता है, तो उसमें आपको वॉल्यूम हाई रखने हैं, और उसके बाद वॉल्यूम आपको ड्यूरिंग आफ्टरनून थोड़ा कम कर देना। तो आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट आवर लास्ट आवर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर्स फॉर ट्रेडर्स, बट ड्यूरिंग मिड डे आपको वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना। सर, आपने ये भी बता दिया कि मार्केट आवर्स के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये भी बता दीजिए कि बाजार बंद होने के बाद यानी कि क्लोजिंग के बाद एक ट्रेडर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से डेटा को एनालाइज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो आप कल के लिए अपनी स्ट्रेटजी आज ही बना सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट क्लोज होता है, एक तो आप ये देखिए कि कौन से स्टॉक है जो 52 वीक हाई और लो के आसपास क्लोज हो रहे हैं, और कौन से स्टॉक हैं जो आपके इस वीक के हाई और लो के आसपास क्लोज कर रहे हैं। तो मोमेंटम वाले शेयरों की तलाश करें, नेक्स्ट डे भी प्रोबेबिलिटी है कि उन शेयर्स के अंदर मूवमेंट रह सकता है। दूसरी चीज, आपको ये समझना होगा कि डेटा जो आता है ड्यूरिंग द डे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा ऐसा डेटा है जो नाइट में आता है, स्पेशली यूएस के डेटा की हम बात करें तो उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट्स के ऊपर देखने को मिलता है, तो उन डेटा को ध्यान में रखना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरी चीज, आपको क्लोजिंग के समय मार्केट में ये पता लग जाएगा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो उस ट्रेंड को नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू वो कर लेता है। तो आपको अगर ये क्लोजिंग पर ही पता लग जाए कि मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, किस तरीके का है, तो आप नेक्स्ट डे के लिए स्ट्रेटजी बना सकते। ठीक है सर, ये तो एज अ ट्रेडर देखा जाए तो पूरा दिनचर्या हो गया, रूटीन हो गई मार्केट खुलने से पहले, मार्केट के दौरान और मार्केट क्लोजिंग होने के बाद की जो तैयारी है। लेकिन इससे पहले कि मैं एक ट्रेडर की तरह अपने काम की शुरुआत करूं, टर्मिनल पर बैठूं, उससे पहले मुझे क्या क्या प्रिपरेशंस यानी तैयारियां करनी चाहिए और मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए? मैं ट्रेडर तो बन गया, मैंने ठान लिया कि हाँ मैं एक ट्रेडर बनूंगा मार्केट में, लेकिन मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे मैं अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकूँ, उसे एग्जीक्यूट कर सकूँ? देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आप ये डिसाइड करते हैं कि आप किस प्रोडक्ट को बाय सेल कर, राइट? आप ये भी डिसाइड करते हैं कि लोकेशन क्या हो, आप ये डिसाइड करते हैं कि उसके लिए आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए। तो ट्रेडिंग को भी अगर आप एक बिजनेस या फुल टाइम प्रोफेशन मान ले, तो आपको उसके लिए कुछ रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड ही हैं वो तो चाहिए। ठीक है सबसे पहली चीज है कि आपको एक लेटेस्ट हाई स्पीड लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, उसमें अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर कनेक्शन होना चाहिए। तीसरी चीज, आप ऐसे ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करिए
जो आपको हर तरह की सुविधा दे सकता हो और जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो और किसी भी तरह की कंप्लेंट्स और डिफॉल्ट्स उसके अगेंस्ट में ना हो। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और वहां पर आपका पैसा सेफ भी रहता है। तो हमारी सलाह यही होगी कि इधर उधर जाने की बजाय या जो आजकल बहुत सारी पोंजी स्कीम्स भी चल रही है मार्केट में उसकी तरफ जाने की बजाय आप एक प्रॉपर ब्रोकर एनएससी बीएससी के साथ जो रजिस्टर्ड हो उनके थ्रू ही ट्रेड करके। फिर आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जैसे कि डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर की बात कर लें या टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर की बात कर लें, वो रिक्वायर्ड है। और आपको लगातार इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो बहुत सारे स्क्रीनर्स और इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट्स और टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में होती हैं। तो आपको वेल इक्विप्ड रहना है, बिना हथियारों के मैदान में नहीं उतरना है। आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर आप एक वॉर लड़ने जा रहे हैं, अगर वॉर बिना हथियारों के लड़ने जाएंगे तो आप फर्स्ट डे ही फ्लैट हो जाएंगे, और हथियार लेकर जाएंगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पूरे हथियारों से लैस होके आपको ट्रेडिंग की जंग की शुरुआत करनी है। अगर आपको मोटी कमाई करनी है तो उसके लिए आपके जो हथियार हैं वो भी आपको बताए गए हैं। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा एक इंटरनेट का सोर्स होना चाहिए, अनइंटरप्टेड इंटरनेट का सोर्स होना चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन का सोर्स होना चाहिए। अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन बाजार में आ रही है उसके बेसिस पे आपके ट्रेडिंग के मौके खुलते हैं तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन सर, एक चीज़ जो मैंने आपके जवाब से सुनी वो ये है कि आप कह रहे थे कि जो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, जो ट्रेडिशनल ब्रोकर होता है, उसी के थ्रू ही आपको काम करना चाहिए, उसी के जरिए ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपने पूरी तैयारी भी करवा दी, सारे हथियार भी पकड़वा दिए, ये तो एक नई चीज़ आप बोल रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही आपको काम करना चाहिए। इसे थोड़ा गौर से बताइए, थोड़ा और डिटेल से बताइए, आप हाईलाइट क्या करना चाह रहे हैं इस बात से। देखिए सर, जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में उतरता है ना, वो बड़ा जोश में होता है और उसको क्या लगता है कि मेरे को आज काम शुरू करना है तो आज ही मैं करूँ। तो बहुत सारे शॉर्टकट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दे आर अनऑथोराइज मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग, तो उनको यूज ना करें, वो लीगल नहीं है और वो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली किसी तरह की दिक्कत पेश करेंगे। तो आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आप किसी भी एनएससी बीएससी रजिस्टर्ड ब्रोकर जिनको सेबी से लाइसेंस मिला हुआ हो उनके थ्रू ही ट्रेड करें, उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, उनके पास अच्छे नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो, ब्रांचेज हो, ऑफिसेज हो प्रॉपर, तो उनके थ्रू ही ट्रेड करें। कल को कोई दिक्कत आती है तो एटलीस्ट आप ऑफिस में जाकर अप्रोच कर सकें। ये ना हो कि आजकल बहुत तरह की वेबसाइट्स चल रही हैं, बहुत तरह के एप्स चल रहे हैं, एप्स पर आप रजिस्टर कर लेते हैं। अभी एक रिसेंटली केस हुआ था, मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की ऐप लॉन्च हुई थी और उसमें वो अकाउंट ओपन कर देते थे और आपको सब कुछ ऐसे दिखाई देता था जैसे लाइव मार्केट में आप काम कर रहे हो, बट एक्चुअली दैट वाज द डेमो वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, और जो पैसा था वो पैसा डायरेक्टली जो ऑनर थे उस कंपनी के उनके अकाउंट में चला जाता था। एंड अल्टीमेटली जब इन्वेस्टर्स उसमें से पैसा निकालने लगे तो वो किसी भी तरह का पैसा नहीं निकाल पाए, तो फिर उनकी कंप्लेंट्स हुई और फिर ये सामने हमें देखने को मिला कि इस तरह की बहुत सारी एप्स मार्केट में आ गई हैं जो आपको दिखाएंगी कि सब कुछ लाइव मार्केट में चल रहा है लेकिन एक्चुअली वो सब डेमो होता है और पैसा उनके अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, जो कि बाद में क्लेम करना या निकालना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। चलिए, तो बहुत ही अहम बात, एक बहुत ही अहम जानकारी एक ट्रेडर के लिहाज से विवेक जी बता रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही आपको काम करना है ताकि आपकी जो पैसे की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी गलत स्कीम में, किसी पोंजी स्कीम में या किसी नए ऐप में या कोई नई वेबसाइट आ रही है उसमें आप अपना पैसा मत लगा दीजिए, क्योंकि उसमें पैसे फंसने का, डूबने का जो चांसेस हैं, जो रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और रिस्क मैनेजमेंट की बात तो विवेक जी कर ही चुके हैं कि एक बहुत अहम टूल है जहाँ तक एक ट्रेडर की बात है, जब वो एक फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर ट्रेडिंग की अगर शुरुआत करता है। चलिए सर, हमने एक ट्रेडर के बारे में, उसकी मानसिकता, उसकी साइकोलॉजी के बारे में, उसकी तैयारियाँ, उसकी गलतियाँ, काम करने के तरीके के बारे में भी जान लिया। पर चलते चलते कोई दो तीन ऐसी स्ट्रैटेजीज, कोई ऐसे नुस्खे जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जिससे उनको एज अ ट्रेडर अपने सफर में मदद मिल सके, पैसा कमाने में उनकी मदद हो सके। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा जिससे मुझे बहुत मदद मिली है। लोग ना आजकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा गूगल पर चले जाते हैं, बट मुझे लगता है कि बुक से बेटर इन्फॉर्मेशन का टूल कोई भी नहीं हो सकता। तो बुक रीडिंग की हैबिट डालना
बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट से रिलेटेड काफी अच्छी बुक्स काफी अच्छे ऑथर्स के द्वारा मार्केट में आपको मिल जाएंगी। वहां से आपको जो नॉलेज मिलेगी वो नॉलेज आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। ठीक तो है, बुक रीडिंग की हैबिट एक मस्ट हैव हैबिट है टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, दैट इज वन। सेकेंडली, हमारे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम अपने खुद के ट्रेडर्स के लिए भी यूज करते हैं, तो वो मैं आज यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी है इंडस्ट्री या बिजनेस हाउस स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ही इंडस्ट्री के तीन चार स्टॉक आपको अगर मोमेंटम में दिख जाते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि उस इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई ना कोई न्यूज फ्लो है, फंड बाइंग है, या फिर उसको लेकर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट निकली है। तो अगर आप देखें जैसे सीमेंट सेक्टर है, अगर सीमेंट सेक्टर के दो या तीन स्टॉक ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और एक स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो स्टॉक उनको मैचअप करने की कोशिश करें। तो आप ऐसी इंडस्ट्री या बिजनेस हाउस की जब हम बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस हाउस हो, टाटा बिजनेस हाउस हो, महिंद्रा ग्रुप की कंपनीज हो या अदानी ग्रुप की कंपनीज हो। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज एक ही ग्रुप की एक ही डायरेक्शन में एक साथ चलती हैं, तो वहां पर उस चीज का फायदा ले सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस हाउस आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, वहां पर आप अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आप पैसा बना सकते हैं। दूसरी हमारी स्ट्रेटजी है ट्रेंड स्ट्रेटजी। ट्रेंड स्ट्रेटजी क्या कहती है कि अगर मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट के साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका ट्रेंड पिछले 2 दिन से भी पॉजिटिव है और आज भी पॉजिटिव है, तो देर आर हायर चांसेस दैट यू कैन मेक मनी इन सच स्टॉक्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली ट्रेंड फॉलो करना है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तेजी की मार्केट में आपको मंदी के स्टॉक नहीं ढूंढने हैं और मंदी की मार्केट में आपको तेजी के स्टॉक नहीं ढूंढने हैं। तो अगर स्टॉक भी बाइंग में है, मार्केट भी बाइंग में है, तो ये आपका ट्रेंड फॉलोइंग हो जाता है। और हमेशा ट्रेडिंग में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तीसरी हमारी स्ट्रेटजी है सर्किट स्ट्रेटजी। देखिए, हर स्टॉक के ऊपर सर्किट लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स आपकी 5%, 10% और 20% की होती हैं। तो जनरली जब 10 और 20% की सर्किट लिमिट्स होती हैं, हम ये मानते हैं कि कोई स्टॉक ड्यूरिंग द डे 10% वाला करीब 7% और 20% वाला 15% ऊपर आ गया, देर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि वो सर्किट लिमिट को हिट कर देगा। तो आप ठीक दो है, तीन परसेंट का स्टॉप लॉस लेकर ऐसे स्टॉक्स में बाइंग बना सकते हैं और वो सर्किट लिमिट्स को हिट कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला हैज ऑलमोस्ट 80% सक्सेस रेशियो। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम यू विल गेट सक्सेस, आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, बट देर आर हायर चांसेस दैट यू कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दीज स्ट्रेटेजीज। तो आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है। अब तो जैसे आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 3.5% अगर कोई 5% सर्किट वाला स्टॉक बढ़ गया है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी वो 5% का सर्किट छू लेगा। ऐसे ही 7.5% बढ़ गया 10% सर्किट वाला, तो वो 10% का सर्किट छू सकता है। और 20% सर्किट वाला स्टॉक अगर 16% बढ़ गया है, तो वो 20% सर्किट को छू लेगा, देर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं और इसके लिए स्क्रीनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उन स्क्रीनर्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपके सामने रखी गई है। गुरु मंत्र भी आपको बताए गए हैं कि अगर आप एज अ ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से एक सर्किट स्ट्रेटजी भी है जो आपके सामने रखी गई है। जो स्टॉक मोमेंटम में होते हैं, ऑलमोस्ट अपने सर्किट के पास पहुंच जाते हैं, उनमें आप 2 से 3% का स्टॉप लॉस रख के कि वो सर्किट हिट कर जाएगा, जिसकी प्रॉबिलिटी 80% के आसपास होती है, जैसे हमें विवेक सर बता रहे हैं, उसमें भी आप काम करके अपनी पोजीशन बना के ट्रेड इनिशिएट करके मोटा पैसा बना सकते हैं। तो आपके साथ पूरी मनोविज्ञान जो है ट्रेडिंग का, वो भी शेयर कर दिया गया है, गलतियां भी शेयर कर दी गई हैं, क्या तरीके हैं उनको सही करने के वो भी बता दिए गए हैं, नुस्खे भी आपको बता दिए गए हैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको अगर अच्छा पैसा बनाना है मार्केट्स में तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि स्पेशली जो कोरोना काल था उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी लोग हैं जो मार्केट्स में एंटर हुए हैं, उनको जो ट्रेडिंग की लत है वो लगी है। स्पेशली इसलिए है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चलने के कारण लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा था, जिससे शेयर बाज़ार में लोगों की एंट्री भी बहुत तेज़ रफ्तार से हुई है। हाल में हमने देखा भी है जो डीमैट अकाउंट की संख्या है वो भी 10 करोड़ के पार चली गई, क्योंकि पिछले 2 साल में ये जो कोरोना काल का पीरियड था उसमें बहुत सारे नए जो निवेशक हैं उनकी बाजार में एंट्री होती हुई दिखी है। बाजार में रैली आई है लोअर लेवल से, तो जाहिर सी बात है लोगों ने पैसा बनाया भी है। लेकिन अब जो है
मार्केट से पैसा बनाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशनल ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनको ट्रेडिंग की लत लग गई है, उस लत से कैसे बाहर आया जाए, उसे कैसे छुड़ाया जाए? देखिए, ट्रेडिंग को आप इसको लत ना मानकर इस पे प्रोफेशन मान लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग ना इसको एज ए वीडियो गेम लेते हैं और वीडियो गेम में जैसे आप दिन भर बटन दबाते रहते हैं तो आपको बटन दबाने हैं। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक काफी कैलकुलेटेड एनालिसिस है और उसके बेसिस पर आपको ट्रेड लेने होते हैं। सबसे पहली चीज जो है, आपको अपने आप को फ्रॉम टाइम टू टाइम अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं मार्केट में, सक्सेसफुल ट्रेनर्स हैं, उनके पास जा सकते हैं और उनसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, वो आप एक फॉलो कीजिए, उससे आपके ट्रेडिंग में काफी सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा, एक कॉन्सेप्ट हमने दिया हुआ है ट्रेडिंग टेबल का, वो क्या कहता है कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड पहले से डिफाइन करके चलना है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करके चलेंगे तो आप डेफिनेटली लॉस कम करेंगे और प्रॉफिट पोटेंशियल आपका ज्यादा रहेगा। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप एवरी टाइम 1% का लॉस लेते हैं एंड एवरी टाइम 2% का प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको 100 ट्रेड्स लगेंगे मार्केट से बाहर होने के लिए, और कंटिन्यूअसली आप 100 ट्रेड लॉस के करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें दूसरी चीज आपको जो ऐड करनी है वो ये है कि अगर 1% स्टॉप लॉस और 2% टारगेट के साथ आपके 3 ट्रेड लगातार लॉस के हो जाते हैं, सो क्लोज फॉर द डे, इट मींस दैट डे इज नॉट फॉर यू। एक दिन में आपने 3% का लॉस कर दिया, दैट इज एनफ फॉर यू। नेक्स्ट डे आप फिर से आइए, स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान कीजिए, और अगर ये कंटिन्यूअस 3 डेज अगर ये प्रोसेस हो जाता है, देन यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स एंड फ्यू वीक्स, गो बैक, टेक सम ट्रेनिंग, रीड सम बुक्स, गेट सम नॉलेज एंड देन अप्लाई। देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, आपने तीन दिन 3% का लॉस किया तो आपका सिर्फ 9% का लॉस, इट मींस 91% कैपिटल आपके पास आज भी सेफ है और उस कैपिटल से आप मार्केट में री एंटर कर सकते हैं। लेकिन री एंटर आप कब करें? आप तैयारी के साथ, बिना तैयारी के मत कीजिए। और ये फॉर्मूला एक बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है। When I was trading in the US markets, तो ये हमारे ट्रेनर ने हमें सिखाया था और ये बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है कि लगातार 3 ट्रेड लॉस हो जाए, क्लोज फॉर द डे, और लगातार 3 दिन लॉस हो जाए, क्लोज एटलीस्ट फॉर ए वीक। चलिए, तो बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर आप एक दिन में 3% के आसपास का लॉस कर देते हैं तो आप अपनी जो ट्रेडिंग है दिन के लिए उसे बंद कर दीजिए, और 3 दिन तक अगर आपको लगातार 3-3% का रोज लॉस होता है, यानी कि 3 दिन में अगर आपने अपनी कैपिटल का 9% के आसपास वाइप आउट कर दिया है, तो आपको कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए अपनी जो ट्रेडिंग है उसे रोक देना चाहिए। वापस अपने आप को रीपोजिशन करिए, तैयारी कीजिए। जैसे सर बता रहे हैं कि आपको बुक रीडिंग की एक आदत डालनी चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए और सीखना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, उसके बाद आप लौटिए, क्योंकि आपके पास अपनी जो 91% कैपिटल है अभी भी बची हुई है। तो उस कैपिटल को डिप्लॉय करने से पहले आप सीख के आइए, जो 9% आपने गंवाए हैं उसके आपके क्या अनुभव रहे हैं, उससे आपको क्या सीखना चाहिए, उस तैयारी के बाद फिर आप अपना जो 91% कैपिटल बचा हुआ है, सीखने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद, फिर आप मार्केट में उतर सकते हैं। विवेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनी मास्टर की इस खास श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान भाषा में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, तो आशा करते हैं कि दर्शकों की समझ को और सहज बनाने की मनी मास्टर की ये खास पहल आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मनी मास्टर के अगले एपिसोड में बाजार के एक और एक्सपर्ट के साथ, शेयर बाजार से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।